असलम वेलकम टू माई YouTube चैनल आई होप कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा और आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया था वो आपने कम्प्लीट किया होगा कि आपने फाइल्स में जाना है और आपने MB की फाइल्स को KB में कन्वर्ट करना है और जो डबल इमेजेस हैं जो भी इमेजेस आप नहीं रखना चाहते हैं स्टोर पे, आपने वो डिलीट करनी है Uh, तो आप लोगों ने अगर ये काम किया है तो आप लोगों ने मुझे अभी तक कम्युनिटी पे मैसेज नहीं किया है अपना काम दिखाया नहीं है आप जल्दी से मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं ताकि मैं उसको रिव्यू करूं और जो है आपकी कोई मिस्टेक है तो मैं आपको साथ साथ वो बताती जाऊं ताकि आप भी जल्दी से प्रोफेशनल बन जाएं तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेटिंग्स पे यहाँ पे लिखा हुआ सेटिंग हम गए सेटिंग पे अब हम देखते हैं कि हमने अपने स्टोर की डिटेल्स को कैसे सेट करना है ये जो पेंसिल बनी हुई है हमने इस पर किया क्लिक यहाँ जाके हम अपने स्टोर का नेम कुछ भी रख देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है शेफ़ मार्ट आप कुछ भी अपने स्टोर का नेम रख सकते हैं स्टोर का नेम वही आप रखेंगे जो आपकी डोमेन का नेम होगा ठीक है पहले आपने जो काम करना है वो अपने आपने सोचना है कि आपने अपने स्टोर का क्या नाम रखना है ठीक है फिर आपने वो नाम फाइनलाइज़ करके उसकी डोमेन की अवेलेबिलिटी देखनी है आपको अगर उसी नेम के डोमेन मिल जाती है तो वेल एंड गुड वरना आपने थोड़ी सी मोडिफिकेशन कर लेनी होती है फिर वो जो डोमेन आप लेंगे ना वो डोमेन का जो नेम होगा ना वो आपका स्टोर का नेम होगा ठीक है वो आपने यहाँ पे रखना है ठीक है ये मेरे स्टूडेंट का स्टोर है तो उन्होंने जो है ये प्रैक्टिस के लिए बनाया है डेट्स ए उन्होंने यहाँ पे शेफ़ मार्ट रखा है और स्टोर का जो फ़ोन नंबर होगा अगर आप पाकिस्तान में काम करें तो आपका पाकिस्तान का फ़ोन नंबर लगना है ठीक है अगर आप बाहर करें तो आपका जो यू एस और यू जिस भी कंट्री के लिए आप करें तो आपको वहाँ का फ़ोन नंबर लगेगा सारी जो प्ले है वो मैं लोकल स्टोर के लिए बता रही हूँ डैट्स वाई यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर लगाया है और जो ये स्टोर की ई है ये आपने अपनी ई लगानी होती है ठीक है अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल बाय की है लाइक कि जिस तरह आप गोडैडी से अपनी डोमेन परचेज करते हैं तो डोमेन के साथ आपको ऑप्शन मिल रहा होता है प्रोफेशनल ईमेल का जो प्रोफेशनल ईमेल होती है वो होती है इन्फो एट दी रेट आपके आगे डोमेन का नेम आ जाता है ठीक है और दूसरा होता है स्पोर्ट ऐट दी रेट आगे आपके डोमेन का नेम आ जाता है ठीक है जी तो ये है कि अभी मेरे जो ये स्टूडेंट है, इन्होंने नहीं ली है डोमेन दैट्स वाई इन्होंने अपनी ईमेल ही लगाई हुई है ये वाला हमारा पोर्शन हो गया प्रोफाइल वाला और उसके बाद आ जाता है बिलिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है जी यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे हम अपने जो बिजनेस का नेम है वो हम ऐड करते हैं शेफ मार्ट ठीक है यहाँ पे कंट्री और रीजन हम सेलेक्ट करते हैं अभी हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो डैट फाइ हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है आपके पास यहाँ पे सारी कंट्रीज आ जाती है ठीक है आपने जिस कंट्री में करना है आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है जो भी आपका होम एड्रेस है वो आपने यहाँ पर देना होता है कोई आपका अपार्टमेंट है वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर देना होता है ठीक है यहाँ पर आप सिटी अपनी जो है वो बता देंगे और सिटी का जो पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे ठीक है जी इसके बाद हम चलते हैं स्टोर करेंसी पे आपको जैसे पता है कि ये स्टोर लोकल पाकिस्तानी स्टोर है तो डेट्स तो वाई यहाँ पे हमने जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में रखी है और यहाँ पे जो टाइम जोन होगा टाइम जोन एंड यूनिट ऑफ मेयरमेंट यूज़ टू तो कैलकुलेट प्रोडक्ट प्राइस शिपिंग वेट एंड ऑर्डर टाइम्स ठीक है जी आपने जो टाइम जोन रखना है वो हो पाकिस्तान का टाइम आप यहाँ पर गौर से देख लें जी एम प्लस फाइव इस्लामाबाद कराची ठीक है ये आपने पाकिस्तान का टाइम जोन सेट करना है अगर आप कहीं और का कर रहे हैं यू एस यू के का कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट होता है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी जब हम इंटरनेशनल स्टोर्स को देखेंगे ठीक है जो आपका यूनिट सिस्टम होगा वो होगा मैट्रिक सिस्टम यहाँ पे आपका इम्पीरियल सिस्टम भी होता है लेकिन हमने लोकल में जो अपने पाकिस्तानी स्टोर्स होंगे उनका मैट्रिक सिस्टम रखना है और डिफॉल्ट वेट यूनिट उसका क्या होगा ग्राम में नहीं होगा हमारा केजी में होगा ठीक है यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर आईडी ठीक है हमारी जो आईडी होती है ना जो हमारे आ, स्टोर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है आईडी ये हैश वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो टू ठीक है ना ये हमारे जो स्टोर की प्रोडक्ट की आईडीज़ होती हैं ठीक है हमने यहाँ पे प्रीफिक्स को जो है वो नहीं आ, सेट कर आ, यहाँ पर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है हमने उसको वैसे ही रहने देना है ठीक है ये आप अपने मुताबिक इसकी सेटिंग करेंगे और फिर यहाँ से आप सेव कर देंगे आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी जल्दी से आप थम्स अप करके अपनी अटेंडेंस लगवाएं और आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने अपने स्टोर की डिटेल्स को ऐसे सेट करना है और सेट करके आपने मुझे इसकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवानी है फेसबुक की कम्युनिटी ग्रुप में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी सी वीडियोस होंगी जिसमें हम एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पढ़ रहे होंगे सीख रहे होंगे मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़